अभी अभी की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जा सकते हैं जेल। गुजरात की हाई कोर्ट से राहुल गांधी को नहीं मिली राहत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मानहानि केस में दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेता को अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट गर्मी की छुट्टी के बाद आदेश पारित करेगा। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मन्नू ने कहा कि यह पहला मामला है जब मैंने देखा कि आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम सजा दी गई है। यहाँ मुझसे ज्यादा अनुभव वाले वकील हैं। ये संदेह है कि उन्होंने भी इस तरह की सजा के बारे में सुना होगा। सिंघवी ने कहा कि कोई सबूत उपलब्ध नहीं है जहाँ तक गवाही याचिका का संबंध है। वे कई वर्षों से भाजपा के सदस्य हैं। उनकी गवाही राहुल गांधी को दोषी ठहराने का एकमात्र सबूत नहीं हो सकती। उसके सबूत को रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सबूत से पुष्टि किया जाना है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस नेता पहले ही सांसद सत्रों सदस्यीय समितियों की बैठक आदि से दूर रहे हैं। उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को नुकसान हुआ है। वे संसद में अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। और अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है।